है। इसका मकसद यह है कि लोग जो सियासत कर रहे हैं उनके तो अजाइम मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनके चेहरे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन महाजन कौम मिन हैसल कौम एक है और वो तकसीम नहीं है। मैं हमेशा फख्र से कहा करता हूं, मेरी कौम के बारे में किसी के जहन में गलत फहमी है तो उसको दूर कर लो। अगर तुम ये समझते हो कि हम लकीरें खींच खींच कर इस कौम को तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजार देंगे तो ये मुमकिन नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हम इंसान हैं, हमें मरना है। हो सकता है तुम्हारे हाथ से लिखी हो, मार दो, लेकिन हमें मारने के बाद भी अगर तुम्हारे जहन के किसी गोशे में ये खन्नास बनाए कि मार देंगे तो माजर कौम तकसीम हो जाएगी, तो भाई हम आज हैं, कल तो हम थे नहीं, उस वक्त भी माजर कौम तो एक थी ना। अय्यूब के दौर में घर अय्यूब ने यहां आके बदमाशी करने की कोशिश की थी इलाहाबाद में, उन गोलियों का जवाब पत्थर से दिया था लेकिन गोली वाले भागते हुए नजर आए थे। वो क्यों भागे थे? इस कौम के इतिहाद की वजह से। उस वक्त भी कौम तकसीम नहीं थी, उस वक्त ना अल्ताफ था ना उस वक्त आफाक था, कौम तकसीम थी, कौम तकसीम थी, कौम उस वक्त भी तकसीम नहीं थी। उसके बाद का वक्त उठा लो, मुर्तजा भुट्टो ने लसानी फसादात करवाए पूरे सिंध के अंदर, उर्दू और सिंधी की बुनियाद के ऊपर फसादात हुए, ना अल्ताफ था ना आफाक था। उस वक्त भी क्या मुमताज भुट्टो की उस गुंडागर्दी और उस लसानी असबियत का जवाब पूरी कौम ने एक होकर नहीं दिया था? उस वक्त क्या कौम तकसीम थी? कौम तकसीम थी, कौम तकसीम थी, उस वक्त भी कौम तकसीम नहीं, उस वक्त भी कौम एक। इस शहर में सियासत करने वाले लोग याद करें, ये शहर कल तक जेयू की और जमात इस्लामी का था, क्या उस वक्त महाजन कौमी मूवमेंट थी, क्या मुतहदा कौमी मूवमेंट थी?